हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटिंग और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए तो जल्दी से अनुजिंदल. जिंदल डॉट इन पर जाइए अनुजिंदल जिंदल पर जाके बाय कोर्सेज पे क्लिक करिए और बाय कोर्सेज पे ईएसआई पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके कोर्स में एनरोल कर दीजिए जहाँ पे सारे कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियोस पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ठीक है तो चलो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जनस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू है जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को उन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करें कौन कौन सी तीन कैटेगरीज? एक तो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज फिर आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और तीसरा आता है अदर कॉस्ट ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ परचेज में हमारा इंक्लूड होता है परचेस प्राइस फिर टैक्सेस वगैरह फिर फ्राइट हो गया और लेस करते हैं उसमें से हम डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है हमारा डायरेक्ट लेबर प्लस जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वेरिएबल और फिक्स्ड और अदर कॉस्ट में जो कस्टमाइजेशन के लिए कॉस्ट लगती है वो हमारी कवर्ड होती है अदर कॉस्ट में इधर हमें बात करी गई है सिर्फ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हमारी दो चीजें कवर्ड होती हैं कौन कौन सी दो चीजें डायरेक्ट लेबर दूसरी प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड भी कौन से वेरिएबल और फिक्स दोनों ठीक है हमें चेक करना है कौन इन तीनों में से कौन सा नॉट इंक्लूडेड है तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडेड होता है फैक्ट्री रेंट एंड यूटिलिटीज क्या इंक्लूडेड होता है नहीं होता ये हमारा एक प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में ये इंक्लूड होता है सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ सेल्स स्टाफ क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है ये प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है ये सेलिंग ओवरहेड है तो ये इंक्लूड नहीं होता फिर ए फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ये इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट द बिल्डिंग विद द फैक्ट्री सुपरवाइजर तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैलरीज ऑफ सेल्स क्यों क्योंकि वो हमारा कवर नहीं होता सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड कवर होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में और ध्यान रखना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त पहले आपको आंसर अपने मन में सोचना है या फिर कॉपी में लिखना है फिर चेक करना है कि, कि, हमारा आंसर सही हुआ है या गलत हुआ इसी से हमें पता चलता है कि कितनी हमें नॉलेज है और किस किस चीजों किस किस टॉपिक्स को हमें दोबारा से स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर प्लां, टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी आर टेंजिबल आइटम्स दैट हेल्ड फॉर यूज इन दी फॉलोइंग पर्पस एक्सेप्टीपीपी पीपीई है उसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताना है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा इंक्लूड होता है पीपीई में फिर फॉर रेंटल टू अदर्स इंक्लूड होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये हमारा पीपीई में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि अगर भैया बेचने के लिए कोई सामान खरीदा गया है कोई सामान बेचने के पर्पज से खरीदा गया है क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड होगा नहीं होगा वो तो हमारा स्टॉक हो जाता है जोन से गुड्स जोन से गुड्स हम बेचने के लिए खरीदते हैं क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है क्या वो हमारी प्लांट प्रॉपर्टी होते हैं नहीं होते ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू तो बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये हमारा इंक्लूड नहीं होता पे पीपीई में और बच्चों को ध्यान रखना है क्या चीज पूछी गई है ठीक है

एन इनफ्लो <coughs> <Sorry. coughs> और आउटफ्लो बिटवीन कॉम्पोनेट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश और कैश इक्विलेंट्स के सॉरी सॉरी कैश और कैश इक्विलेंट के बीच में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे कंसिडर्ड नहीं होते कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक बात है एग्जाम्पल लो अगर हमने कैश निकाल के बैंक में डाल दिया कैश से हम स्पेसिफिकली शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करते हम सीधा रिकॉर्ड क्या करते हैं कैश एंड कैश उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वो तो मतलब जब हम कैश और कैश लिखते हैं उसमें हम सब कुछ ऐड कर देते हैं कैश एट हैंड कैश एट बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिपोजिट वगैरह तो हमारा जो उनके बीच का चेंज होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बिल्कुल ठीक बात करी गई है ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब मैक्सिमम बच्चों को क्या लग रहा होगा कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वर्ड इन्वेस्टमेंट है तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई लेकिन हमें ध्यान रखना है जब हम कैश एंड कैश इक्विलेंट की बात करते हैं तो जब हम कैश इक्वलेंट की बात करते हैं उसमें क्या बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट हो जाए वो हमारा क्या होता है मतलब जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन्हें हम ईजिली मार्केट में जाके बेच सकते हैं वो हमारी कैश एंड कैश इक्वलेंट में कंसिडर्ड होती है तो जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कोई जो मार्केटेबल सिक्योरिटी सिक्योरिटीज मतलब मार्केट में इजली बेची जा सकती हैं वो हमारी आती है कैश एंड कैश इक्वलेंट में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती तो ये गलत हो गया लास्ट क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया था उसे रिडीम कर रहे हैं वो क्या है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी करेक्ट हो गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आती है हमारी कैश एंड कैश के अंदर ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो फॉर अ बाय बैक ऑफ शेयर द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी मोर देन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्टैटिक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है जब कंपनी शेयर्स करती है तो उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम जो डेट इक्विटी रेशियो है उससे एक परसेंटेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो रेशियो कि, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी टू रेशियो वन डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा ये तो स्टेटिक पार्ट तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू कि जो हमारा डेट है वो इक्विटी से ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर वन लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर एप्लीकेशन फॉर थर्टी थाउजेंड वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो बेसिस हाउ मैनी शेयर इन एप्लीकेशन एप्लीकेंट फॉर थ्री थाउजेंड शेयर कितना अच्छा वे है शे, से से कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई शेयर के लिए उसे रिसीव्ड हुई वन फिफ्टी थाउजेंड एप्लीकेशन मतलब क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ओवर सब्सक्रिप्शन केस में इन्होंने क्या किया मिक्स किया कि थर्टी थाउजेंड को तो रिजेक्ट कर दिया जब थर्टी थाउजेंड को रिजेक्ट कर दिया तो बचे कितने शेयर्स अप्लीकेट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड को इन्होंने कितने अलॉट करे वन लाख शेयर्स मतलबेंड के लिए अप्लाइड किया था उनको अलॉटेड कितने हुए वन लैख शेयर्स आगे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी शेयर्स एन अप्लीकेट फॉर थ्री थाउजेंड शेयर्स विल बी अलॉटेड अगर थ्री थाउजेंड शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया होगा तो उसे कितने शेयर अलॉट हुए होंगे बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे वन लैख डिवाइडेड बाय वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन थ्री थाउजेंड तो ये कट गया ये आ जाएगा थ्री फोर तो टू फाइव फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर आ गया हमारा आंसर ठीक तो है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड हंड्रेड इक्विटी शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ रूपीज टेन इंच रूपीज सिक्स पर शेयर कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रूपीज टू पर शेयर फोर्टी आउट ऑफ दिस हंड्रेड शेयर वब्सिक्वेंटली रीइ एट अ फुली पेड अप एट रूपीज सेवन इंच ट इजाउंट डेड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हम जानते हैं जब कोई भी तो कहा को यूज करते हैं जब रीइ करते हैं शेयर और जब रीइ शेयर करने के बाद जो डिस्काउंट वगैरह उसमें फॉरफिट फॉरफिट अकाउंट का, ओ, का यूज, यूज करते हैं और अगर उसमें कोई पैसा बच जाए तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं अब उन्होंने पूछा कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? जो डिर्ण। 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 जो हो हो रहा है, हो रहा है, का। जिसकी फेस है सॉरी फॉर कंपनी ने मंगवाए थे और जिसमें से नॉन पेमेंट है उस पे कंपनी को फोर रुपीज तो रिसीव हो गए थे देखो सिक्स रुपीज कंपनी ने मंगवाए हुए थे टू रुपीज उन्होंने फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे मतलब कितने शेयर होल्डर ने पे कर दिए होंगे फोर रुपीज हंड्रेड में फोर रुपीज मतलब फोर हंड्रेड रुपीज हमारे फोर हंड्रेड रुपीज फोर फिट अकाउंट में गए होंगे आगे क्या बात है फोर्टी आउट ऑफ दीज हंड्रेड शेयर रीशूट अब ध्यान रखना रह है इस हंड्रेड शेयर में से फोर्टी शेयर्स अलग कर दिए जो रीशू कर दिए ये रीशू कर दिए और ये नॉट नहीं करे कितने नहीं करे होंगे सिक्सटी शेयर अब जो फोर हंड्रेड फोर फिफ्टीड अकाउंट में पड़ा है वो टोटल पड़ा है हंड्रेड शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें फोर्टी और सिक्सटी में बांट दें तो क्या हो जाएगा अगर रेशियो में बांटे तो फोर्टी में बांटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन सिक्सटी वन सिक्सटी रुपीज और इसका आ जाएगा टू फोर्टी रुपीज क्योंकि पर शेयर फोर रुपीज हो गया मतलब फोर्टी शेयर के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट में पड़ा 160, 60 के अकॉर्डिंग 240। मतलब इन टू फोर्टी को तो हमें अकाउंट से छेड़ना ही नहीं इनको इशू नहीं किया गया जिनको री गया ये हमारे पास पैसा बचा हुआ है डिस्काउंट देने के लिए अब देखते हैं कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया फोर्टी आउट ऑफ मतलब कंपनी ने फुली कर दिया मतलब दस रुपए का सेवन रुपीज में दे दिया मतलब कितने का डिस्काउंट दे दिया थ्री रुपीज का थ्री रुपीज का जब डिस्काउंट दे दिया कितने शेयर्स पे दे दिया शेयर्स पे थ्री रुपीज का डिस्काउंट फोर्टी शेयर्स पे तो मतलब वन ट्वेंटी का डिस्काउंट दे दिया टोटल तो इसमें से वन ट्वेंटी तो हमारे डिडक्ट हो जाएंगे जो हमने डिस्काउंट दे दिया ये जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए फोर्टी रुपीज ये हमारे ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व में ये फोर्टी रुपीज हमारी अमाउंट कहा ट्रांसफर होगी कैपिटलिज्म में ध्यान रखना इस अमाउंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि जब ये शेयर शेयर रिशू होंगे उस टाइम पे अमाउंट जो बचेगी तब ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में अभी इसको हाथ नहीं लगाना ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई रुपीज फोर्टी चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फिगर्स एक्सप्रक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एंड ओपनिंग स्टॉक परचेजेस सेल्स ग्रॉस प्रॉफिटी फाइव स्टॉक टर्न ओवर रेशियो हमें टर्न ओवर रेशियो निकालनी है देखो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो होता क्या का फॉर्मूला क्या होता है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन मे एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल देंगे देखो सेल्स की अमाउंट दी हुई है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ग्रॉस प्रॉफिट बोला हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द्वेंटी फाइव परसेंट कितना हो गया इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया एटी थाउजेंड

क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो खरीदा प्लस जो पहले से पड़ा था माइनस जो बेच दिया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास ट्वेंटी नाइन थाउजेंड का हमने और परचेज करे टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज की और मटेरियल जो बिका है वो है टू लैख फोर्टी थाउजेंड का तो जो बच गया वो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट आएगी

तो ये आ गया एट हमारा स्टर्न स्टॉक टर्न ओवर रेशियो आ गया एट टाइम्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एट टाइम्स ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज वेरीफेबल प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज लिखी हुई है रिलेवेंस रिलायबिलिटी कंपेरेबल बल हमें पता नहीं है जो वेरीफेबल प्रोसेसिस करता है मतलब जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं मतलब वो क्या दर्शा रहा है देखो रेलिवेंस क्या दिखाता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग में डाटा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डाटा रिकॉर्ड करेंगे तो वो रेलिवेंस दिखाता है रिलाईबिलिटी क्या दिखाता है कि हम उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कर सकें और बिलीव कब कर सकेंगे जब कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी अमाउंट या कुछ भी जो लिखा हुआ है वो वेरीफाई हो सके अगर मैंने कोई जर्नल एंट्री पास करी है अगर मैं उसे वेरीफाई करवाऊंगा तभी उस पर रिलायबल होगा ना किसी डाटा पे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वैसे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलायबिलिटी कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है हम अपनी स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कर सकें पुरानी स्टेटमेंट से या फिर किसी और की स्टेटमेंट से और वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए तो वेरीफाई का जो मेन पॉइंट आता है वो कहाँ आता है रिलायबिलिटी में कि भाई अगर कोई चीज कोई ट्रांजेक्शन कोई इन्फॉर्मेशन को हम ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं तब भी हम उस पर रिलायबल होंगे वरना नहीं होंगे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन अ फर्म हैज अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट इट इन अ कोर्ट द कंपनी थिंक्स दैट द केस विल बी सेटल्ड इन इट्स फेवर बट स्टिल इनकॉर्पोरेट्स ऑल रिलेटेड एक्सपेंसिस इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट Which accounting principle is being compiled by the firm? बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कंपनी ने जो अपने फ्यूचर लाइबिलिटीज हैं उनको पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया सबसे इजी ऑप्शन नंबर सी हमारा कि भाई जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिकॉर्ड हुआ है कि हाँ कंजरवेटिव जो प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस होता है कि कंपनी जो एंटीसिपेटेड लॉस है उन्हें पहले से ही रिकॉर्ड करके रखेगी

आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द क्रेडिट साइड बैलेंस इन द पर्सनल अकाउंट लेजर इंडिकेट पर्सनल अकाउंट लेजर क्या क्रेडिट बैलेंस को क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आज की क्लास के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर सी यू सून थैंक यू